तो हेलो साथियों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत दोस्त स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि आपके हॉस्टल लाइफ में जौहर नवोदय विद्यालय में कौन कौन से खाना आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्त, बहुत सारे भयावह स्थिति रहती है बाहर। कहा जाता है कि खाना अच्छा नहीं मिलता है, ये अच्छा नहीं मिलता, वो अच्छा नहीं मिलता है। यार, जौहर नवोदय विद्यालय में जो भी खाना मिलता है ना, सफिशियंट और प्रोटीन युक्त खाना मिलता है, यानी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त खाना मिलता है। वहाँ के बच्चों से एक बार तो मिलिए, बाहर से बहुत सारे अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन जो भी खाना मिलता है, अब घर से तुलना तो नहीं कर सकते। हॉस्टल में 500 बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है और आपके घर पे 2 से 3 आदमी के लिए खाना बनाया जाता है, तो कहां से तुलना कर सकते हैं। और आप फ्री में खाते हैं, वहां पे कोई पैसा नहीं देते हैं। पैसा जो थोड़ा जाइए आप किसी होटल में खाइए, अच्छा खाना के नाम पे ना 5 दिन पहले का खाना दिया जाएगा आपको। तो चलिए हम आज यही डिस्कस करते हैं, क्या वहाँ पे अंडा, मीट, मछली, मुर्गा ये भी दिया जाता है। इन सब बात हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या ये भी मिलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको डेली रूटीन में कौन कौन से खाना प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक चिट्ठा, जो मैं समरी इसका ले लिया हूँ और इसे बहुत ही मेमोराइज करने के बाद ही, क्योंकि मेरे पास और 2-3 साल हो गए, तो उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, संडे के दिन आपको, बाद में डिस्कस हो गया, ये मंडे से हम डिस्कस करते हैं। मंडे से डेली रूटीन में सोमवार के दिन पहले दिन आपको ब्रेकफास्ट में पुलाव, छोला और उसके साथ साथ चाय भी दिया जाता है। उसके बाद लंच में आपको करी बरी, रोटी, चावल, उसके साथ साथ डिनर में आपको चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सब्जी हरी और प्रोटीन युक्त रहती है। फिर मंगलवार के दिन हम बात करते हैं चना, जिसे हम घुघनी कहते हैं अपने भाषा में, उसके साथ साथ हलवा भी मिलता है, मसालेदार रहता है जो चना रहता है, उसके साथ साथ चाय। फिर आइए लंच के समय, मंगलवार के दिन चावल, राजमा, रोटी और जिस दिन सलाद रहता है उस दिन हमारे दोस्त सलाद भी रहता है उसके साथ। आइए उस दिन डिनर में क्या मिलता है, मंगलवार के दिन चावल, दाल, रोटी, सब्जी। बुधवार के दिन पूरी, छोला और चाय ब्रेकफास्ट में आपको प्रोवाइड किया जाता है। चाय वहाँ का पसंदीदा चीज़ होता है यार, वो सुबह में मिलता है, मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ बुधवार को जब आप लंच करेंगे तो आपको मिलेगा चाय, रोटी, सब्जी और उसके साथ साथ दाल भी मिलेगा, ठीक है। अब यही डिनर में बुधवार को क्या मिलता है ये देख लीजिए, चावल मिलता है, दाल मिलता है, रोटी मिलता है, उसके साथ साथ बता दूं मैं, यहाँ पे मिलेगा आपको राजमा, ठीक है, दाल नहीं, राजमा मिलेगा और राजमा जिस दिन रहता है उस दिन सलाद भी रहता है। आइए बृहस्पतिवार के दिन बात कर लेते हैं। बृहस्पतिवार के दिन नवोदय का सबसे मशहूर खाना यहाँ पे पुलाव, और जो मैं बता रहा हूँ वो रीजन वाइज चेंज होता है, लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बुधवार के दिन आपको मिलता है ब्रेकफास्ट में पुलाव, मूंगफली डाला रहता है उसमें, जिसे आप बुद्धि कहते हैं भोजपुरी में, और उसके साथ साथ चाय और छोला भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद डिनर में मिलता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी सोयाबीन वाली, ठीक है, प्रोटीन युक्त। शुक्रवार के दिन आपको ब्रेकफास्ट में पूरी, छोला और चाय मिलता है, उसके साथ साथ बता दूं आपको लंच में मिलेगा रोटी, चावल, राजमा और उसके साथ साथ एक जबरदस्त चीज हमारे साथ सलाद भी जुड़ा रहता है। उसके साथ मैं बता दूं, जिस दिन राजमा मिलता है उस दिन कोई सब्जी नहीं मिलती है, क्योंकि राजमा एक तरह से सब्जी होता है, मीट का मजा देता है। उसके बाद मैं बता दूं आपको डिनर में इस दिन क्या मिलता है, चावल मिलेगा, रोटी मिलेगा, दाल मिलेगा, उसके साथ साथ सब्जी मिलेगी, हरी सब्जी। शनिवार के दिन दलिया मिलता है मॉर्निंग में, यानी ब्रेकफास्ट में, छोला मसालेदार रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग दलिया को पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए छोला बनाया जाता है। देखिए अब इस दिन लंच में क्या मिलता है, रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी के साथ आपको इस दिन खाना दिया जाता है। फिर डिनर में शनिवार को मिलता है राजमा, चावल, रोटी और सलाद। और रविवार, जो एक बहुत ही जबरदस्त दिन, और इस दिन हमारी छुट्टी रहती है, इसलिए इस दिन का खाना बहुत ही भयंकर होता है और बहुत ही जबरदस्त होता है, ये देख लेते हैं। पुलाव मसालेदार रहता है, मूंगफली उसके साथ साथ उसमें डाली रहती है, फिर नमकीन भी रहता है, उसके बाद कुछ चाय मिलता है, और दोपहर का खाना खाने के बाद नींद आती है, इसलिए यहाँ का खाना जबरदस्त होता है। देखिए पनीर की सब्जी आपको यहाँ पे मिलेगी, सलाद, चावल, खीर, पूरी और सब एक्स्ट्रा चीज आपको मिलेगा। उसके बाद नाइट में जो डिनर में खाना मिलता है वो थोड़ा सा डाउन रहता है, जैसे खिचड़ी या चावल दाल, उसके साथ साथ आपको कोई मिठाई दिया जाएगा या फल फूल दिया जाएगा, जैसे छेना हो गया, लौंगलाता हो गया, आपको किसी प्रकार का उस दिन दिया जाएगा।
आइए बात करते हैं आपको जो ब्रेक होता है क्लास टाइम में, क्योंकि आपका घर तो नहीं है कि लंच बॉक्स लेकर जाए रहते हैं, टिफिन लेकर जाएंगे, तो उस दिन भी आपको कुछ मिलेगा वहां पे। तो वहां पे मिलता है आपको दोपहर के टाइम में आपको मिल्क भी मिलता है, जहां पे सुबह में चाय नहीं मिलता है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि बिस्किट मिलता है आपको एक एक पैकेट, जो कि 5 रुपए वाला होती है। उसके बाद बता दो स्नैक्स, जो कि 5 बजे के टाइम होता है, पीटी मतलब कि गेम्स के बाद, ये सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये हर विद्यालय में अलग अलग होते हैं, आइए एक ही बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उस दिन मिलता है स्नैक्स टाइम, यानी आफ्टर इवनिंग असेंबली के बाद आपको ये प्रोवाइड किए जाते हैं। उस दिन मिलता है आपको समोसा, लाई, चना उसमें मिला रहता है, मूंगफली जिसे आप कहते हैं। उसके बाद बिस्किट भी मिल सकता है, समोसा, चाय, दूध, फल, मीठा, जैसे कि सेशन वाइज आपको किस चीज़ का समय चल रहा है उस हिसाब से आपको फल मिलेगा, मिठाई मिल सकता है, कोई भी मिठाई मिल सकता है आपको, लौंग लाता, रसगुल्ला, ATCR। उसके बाद मैं बता दूं कि अब हम डिस्कस करते हैं क्या वहाँ पे नॉनवेज भी मिलता है, जैसे कि अंडा हो गया, उसके साथ साथ रसगुल्ला और उसके करें मछली हो गया, मुर्गा हो गया, इस सब आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में ये सब प्रोवाइड किया जाता है, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अधिकतर विद्यालयों में अंडा प्रोवाइड किया जाता है, मछली नहीं मिलता है, और बता दूं आपको कि मुर्गा भी नहीं मिलता है। और दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर वाले हमारे यहाँ आता है, तो उनके लिए मछली और मुर्गा मीट का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी उनके लिए बनाया जाता है। तो दोस्त ये वीडियो आप कैसी लगी, और ये समझ लीजिए खाना बहुत ही बेस्ट मिलता है यहाँ पे, खाना में किसी प्रकार की कमी नहीं, भरपेट खाइए, नींद लीजिए। तो दोस्त कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ये भी मत भूलिए हम क्लास 6 के लिए अभी क्लास चला रहे हैं, जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है 100% फ्री कंप्लीट कोर्स जवाहर नवोदय विद्यालय। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।